नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पंजाब के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उत्तर रेलवे के अधिकारियों की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्हें एक वरिष्ठ नागरिक को 22,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिसे ट्रेन के 10 घंटे से अधिक समय तक लेट होने के बाद उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। दरअसल यह पूरा मामला ट्रेन लेट होने का है, जिसकी वजह से एक 64 वर्षीय यात्री को ट्रेन लेट होने के कारण 10 घंटे से ज्यादा समय तक स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा था। दरअसल अमृतसर के सुजिंदर सिंह, जो कि 64 साल के हैं, उन्होंने 1 अगस्त 2018 के लिए अमृतसर से नई दिल्ली और 3 अगस्त 2018 को नई दिल्ली से अमृतसर आगमन के लिए 2 ऑनलाइन टिकट बुक किए थे और 3 स्लीपर सीट बुक कराई थी। सिंह ने आगे कहा कि अमृतसर से विशाखापट्टनम जाने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस का प्रस्थान रात 11:45 पर था। उन्होंने कहा कि वो रात 11 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे। हालांकि रात करीब 11:30 बजे रेलवे अधिकारियों ने घोषणा की कि ट्रेन के प्रस्थान का समय बदलकर 1:30 कर दिया गया है। ट्रेन के प्रस्थान का समय आगे बदलकर 2:30 कर दिया गया था। ट्रेन फिर लेट हो गई क्योंकि उसे अमृतसर से सुबह 5 बजे निकलना था। सुजिंदर सिंह ने दलील दी कि उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में तकलीफ, सर्वाइकल दर्द, शुगर और लो प्रेशर की बीमारी है। उन्हें 2 लोगों की मदद लेकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ा था। वह रात 11 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और ट्रेन सुबह 10:30 बजे अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंची। उन्होंने कहा कि उन्हें एम्स में मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन ट्रेन लेट 1:15 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, जबकि ओपीडी सुबह 9 से 1:00 तक खुली रही। ट्रेन के देरी से आने के कारण उनका कोई मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। यह रेलवे की ओर से सेवा में कमी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रताड़ित भी किया गया था। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक यानी DRM फिरोजपुर और स्टेशन मास्टर उत्तर रेलवे अमृतसर के खिलाफ अमृतसर के उपभोक्ता आयोग का रुख किया। संबंधित रेलवे अधिकारियों को मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये और मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। उत्तर रेलवे के अधिकारियों, DRM फिरोजपुर और स्टेशन मास्टर अमृतसर ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पंजाब के समक्ष एक अपील में तर्क दिया कि ट्रेन के प्रस्थान में देरी के बारे में एक उचित घोषणा की गई थी, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर थे। अभी के लिए इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।